भी मतलब यूनियन के आगे जो क्या काम उन्होंने हमारे करवाए हैं, तो आप साथियों से अपील एकता बनाए रखेगा, बनाने की जरूरत नहीं है। 5-7 नारे की अपील साथियों से बढ़िया आवाज में लीजिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कोरोना एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये तस्वीर में आपको गांव बड़ी बिबर से कर्मचारी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एसडीओ के खिलाफ कर्मचारी नारेबाजी करते हुए तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ भी करने की तो भाई घबराने दे, कोई नहीं, सारे एक रहेंगे। किसी की गल कोई दिक्कत होगी भाई, कोई दिक्कत ना माननी हो, दिक्कत तो सबसे पहले उन्हीं पाया करा जो सब तक होया करा, वैसे बहुत आदमी आया करा भाई, देखी जाएगी। बाकी अब हमारे प्रधान जी इस आज के आंदोलन विरोध प्रदर्शन का समापन करेंगे और अपनी बात रखेंगे। चौथा दिन और सभी साथियों के पहुंचने का बहुत बहुत धन्यवाद, और सीसी के मेंबर, यूनिट प्रधान, सेक्रेटरी और करनाल साहब जो हमारे साथी हैं और संजीव मल्लिक जी हैं, सभी को यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। और साथियों, जैसे कि अभी प्रधान जी बता के गए हैं, कुछ गलत हाथों में चले गए एसडीओ, जो बात नहीं कर रहे हमारे साथ, जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमको इग्नोर कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी हमारी मांगे भी नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं, कर्मचारियों की मांगे हैं, कोई भी साथी अपने घर की कोई मांग लेके नहीं आया यहाँ पे। जो भी मांग है सारे कर्मचारियों की मांगे हैं साथियों, और वो भाग रहा है। और ऐसा 1.5 महीना आंदोलन उन साथियों ने इंद्री में भी चलवाया था, और इंद्री के एसडीओ ने 1.5-2 महीने बाद उसी तरीके उसी साथियों के बीच में बैठ के उसका समाधान किया था। अभी हमारा जो एसडीओ है ना, गदी दुर्भाग रहा, कदू दुर्भाग रहा, ये भी आपकी कामयाबी है कि आपके यहाँ खड़े होने के टाइम पे वो आगे बैठ नहीं पा रहा है। जो बैठेगा तो समस्याएं सुननी पड़ेंगी, और जो गलत उसके सलीहे हैं वो उसको सलाह दे रहे हैं भी आप इधर उधर रह जाओ, आज ये 2 हैं, 15 हैं, कल 10 रह जाएंगे, फिर 5 रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथी हैं ना पर बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज हमारी जो स्ट्रेंथ है ना बढ़ती जा रही है। तो साथियों, इसी यूनिट अपना एकता के साथ अपना परिचय देते हुए इसको जैसे भी हमारे प्रदेश आएगा, हमारे यूनिट और सर्कल और स्टेट और करनाल जो अपने आए हैं साथी मीटिंग करेंगे। 2 दिन का इसमें ब्रेक है छुट्टी के कारण, शनिवार और इतवार का। जैसा भी सोमवार का इसमें आएगा हमारे ऊपर जो भी आएगा ना आदेश, वैसे हम सबको अपनता आएंगे, और आज इसका समापन करते हैं। धन्यवाद सभी साथियों को यहाँ पहुँचने में। ये हमारा एसडीओ गड़ी बिरबल जो है, उसको हमने कुछ अपना मांग पत्र दिया हुआ, उसमें कुछ समस्याएं समझी हैं जो जनता की और कर्मचारियों की दोनों की, चाहे पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, और कुछ समस्याएं हमारे कर्मचारियों की, जैसे जो सेंटरों पे जो हमारे कर्मचारी काम करते हैं उनको फर्नीचर, उनको पैन रजिस्टर, इस तरीके की समस्याएं, इस छोटी मोटी समस्याओं को लेके एजेंडा हमने एसडीओ को दिया था। लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद उस एजेंडे पे कोई बात ना करके मतलब हमारे कर्मचारी का नाप सनाप ऑर्डर करने शुरू कर दिया, और उन कर्मचारियों के ऑर्डर सीनियर जो कर्मचारी यहाँ बैठे हैं उन सीनियर सीट के ऊपर जूनियर कर्मचारियों का हमारे ऑर्डर कर रहा है। इसको लेके हमारा लगातार ये आंदोलन आज चौथा दिन था, लेकिन चार दिन में एसडीओ सिर्फ एक बार बैठा। यहाँ जनता भी परेशान है, एसडीओ कभी किसी दफ्तर में जाके बैठ जाता है, कभी कहीं बैठ जाता है, 11-12 बजे के बाद बढ़ता है। आज भी 11 बज चुका है लेकिन एसडीओ नहीं है। आज भी मतलब कहीं ना कहीं वो आंदोलन शुरू करवा के और जनता को परेशान करने के लिए, जनता की समस्याएं ना सुननी पड़े इसलिए वो कहीं ना कहीं बाहर जाके बैठ जाता है, और जैसे ही हमारा आंदोलन खत्म होगा उसके बाद आके यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन इतनी गर्मी में आम जनता जो अपनी समस्याएं लेके आती है वो सुबह कोशिश करती है, लेकिन एसडीओ सुबह के समय यहाँ से नदारद रहते हैं, उनका जनता की या कर्मचारियों को कोई परवाह नहीं। और ये जो हमारा गड़ी बिरबल में प्रदर्शन चला हुआ है, कितने दिन से चल रहा है ये? इसका चौथा दिन है, पिछले 4 दिन से चला हुआ है। हमारे जितने भी साथी है वह सुबह 10 से 11 बजे तक 1 घंटा यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं, और उसके बाद अपना काम करते हैं ताकि किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी को कोई काम में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि ये काम करने वाले साथी हैं सारे,
लेकिन इनके छोटे छोटे से मुद्दे हैं कर्मचारियों से संबंधित, जिसके लिए अधिकारी को हमने एक महीना पहले भी अपना मांग पत्र दिया था, उसके बाद उन्होंने उस पर कभी बातचीत नहीं करी। और हमने 16 तारीख को दोबारा उसका एक नोटिस दिया था और उसमें 6 दिन का हमने समय दिया था, 22 तारीख तक का बातचीत के लिए बुलाने का, लेकिन इन अधिकारी ने 22 तारीख तक किसी को बातचीत के लिए नहीं यूनियन को बुलाया। और 23 तारीख से हमने उनको नोटिस दे रखा था, भाई अगर 22 तारीख तक आप कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं करते तो 23 तारीख को हम आपके खिलाफ आपके दफ्तर में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी इकट्ठा होके। और आज उसका चौथा दिन है, लेकिन अधिकारी बातचीत करने के बजाय जब तक हमारा प्रदर्शन होता है इधर उधर घूमता फिरता है, यहाँ बातचीत करने के नाम पे एक बार भी दफ्तर में नहीं आया। और अगर बातचीत करने आता है तो अड़ियल रवैया अपना के रखता है, तो समाधान करने के नाम पे कोई उनके आसपास भी नहीं आता अधिकारी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से आज तक मतलब इसना फोकी फोकी खाई है, मतलब इसना यूं नहीं पता संगठन के चीज है, किसी की समस्या के चीज है, बस काम लेना जितना लिया जावा, काम भी थमी करो, धंधा भी थमी ठीक करो, सारा काम मतलब जो कर्मचारी है वो थोप का, और उनकी समस्याओं की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं होगा तो भाई एसडीओ किस स्टेप पर आएगी। अगर हम है तो एसडीओ, अगर हम नहीं है तो एसडीओ किस काम का। तो आज इसके मंच के माध्यम से खुली चेतावनी देना चाहते हैं, खुला मैदान है भाई, एसडीओ साहब जहां तक दौड़ना है दौड़, और जहां तक दौड़ा जाएगा हम दौड़ेंगे, कौन जीतेगा वो समय बताएगा। मतलब फिरो, अब्सेंटा लगाओ, जो मर्जी करो, जिन चल्ले चपट्टे के थम चढ़े उन चल्ले चपट्टे की सुनकर इसकी बढ़िया गोभी खुदेगी, क्योंकि यही काम इंद्री के अंदर भी आया था। ये सवाल जवाब जो शुरू है निबड़ाने, ये सवाल जवाब समस्या का नहीं है, ये सवाल जवाब केवल टरकाऊ नीति है, भाई माना जवाब दे दिया लेकिन काम दिखाओ, मरते एक भी काम कौन सा काम पूरा करे, जिस काम के लिए हम 4 दिन यह आंदोलन कर रहे हैं एक काम बताया था, भाई मैंने यू काम कर दिया आपका और यह काम मैं उसके बाद करूंगा, अगली बातचीत करेंगे। तो मतलब ये केवल इस महकमे को नुकसान पहुंचाने की बात साजिश है। और जो आज इलेक्शन का जो दौर है, जो सरकार मतलब जो आज वोट के लिए हर पार्टी जो भागी फिर रही है, ये कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुआ और किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को इस आंदोलन के माध्यम से नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो हम तो यही अपील करेंगे, अभी भी समय समय रहते बातचीत को सुन ले, मान ले, नहीं तो ये आंदोलन इतना महंगा पड़ेगा कि वो एसडीओ विशाल गोयत इंद्री के अंदर आया था, फोन करके पूछ लेगा इसकी गल्ला बनी गई थी। कर्मचारियों के साथ मिलकर चलेगा तो काम बढ़िया चलेगा, कर्मचारियों की समस्याओं ने सुनकर चलेगा तो दफ्तर का काम बढ़िया चलेगा, लेकिन कर्मचारियों की समस्याओं ने इग्नोर करेगा तो दफ्तर का काम प्रभावित होगा और जनता को परेशानी होगी। इसके लिए टोटली ये एसडीओ जिम्मेवार है हमारा, जो बातचीत करने से भाग रहा है। 4 दिन हो गए लगातार, मतलब उसका कौन पूछने वाला भी है दफ्तर में, आज टाइम देख लो आप क्या हो रहा है, 11:30 का टाइम हो लिया लेकिन अब तक दफ्तर के अंदर नहीं आया, 3-4 दिन हो गया लगातार। यहाँ पब्लिक आती है परेशान है, लोग काम के लिए आते हैं चले जाते हैं, गर्मी का मौसम है, किस तरीके से जनता को परेशान करने की कोशिश एसडीओ कर रहा है, तो इसका जवाब भी जनता को एसडीओ को देना पड़ेगा। लेकिन हम कोई भी आधार नहीं मारे हैं, कम से कम 1 महीना तो हमारे अंदर गंजायश है पूरी पूरी, 1 महीने तक तो भाग जितना बचेगा हम भगाएंगे, जब तक आके मेज पे बैठ के बातचीत नहीं करेगा चिट्ठी पत्री से कोई समस्या का समाधान नहीं होता। तो मैं तो आपका चैनल के साथी आए हमारे इंद्रियल चल के, इनके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं, भाई सदबुद्धि हो तो आकर दफ्तर में आकर बात कर ले, और नहीं तो आंदोलन झेलने के लिए निभागने तक काम नहीं चलेगा, जो इधर उधर कभी दफ्तर में बैठ जाएगा कभी इसमें बैठ जाएगा, यहाँ जनता की समस्याएं कौन सुनेगा ये भी एक सवाल है। मतलब यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं और वो दफ्तर से छोड़ के वहां बैठे, अगर उसने हाथ पाया उसने आंदोलन शुरू करवाया तो उसको सहने की भी शक्ति होनी चाहिए, आकर बैठ दफ्तर में काम कर, लोगों के हम अपना काम कर रहे तो अपना काम कर, लेकिन कहीं ना कहीं काम चोर है, लोगों के कामों से भी पंडा छिटवाना चाह रहा, टेंशन नहीं लेना चाह रहा, और कर्मचारियों के खिलाफ साजिश रचने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं दूसरे साथियों के साथ शामिल है। तो आज आप इकट्ठे साथी आज यहाँ मतलब सोमवार से हम बैठ के मीटिंग करेंगे, ये 1 घंटे का करना